पहले भी हमारा था आज भी हमारा है। फतहा करके दरिया को बोला शेर ये दरिया पहले भी हमारा था आज भी हमारा है। मेरे सब सरकार नज कर रहा हूँ इसके सुन पहले हमारा था तूने यूं शहादत के रंग को निखारा है जौन तेरा चेहरा है या कोई सितारा है। और करता सरकार से सुने करता है जो दुनिया में शाह की अदारी जरा करता है जो दुनिया में शाह की अदादारी हो किसी कबीले का वो बचर हमारा हमारा है हो किसी कबीले का वो बशर हमारा है। मुझे सुन ले फिर उसके बाद मुझे खाने के काबिल रह गया ना दुनिया में मुमनी सानी मिर्जा मुझे खाने के काबिल रह गया ना दुनिया में ऐसा शाम का हाकिम करबला से ऐसा शाम का हाकिम करबला से हारा है। मुझे खाने के काबिल रह गया न दुनिया में ऐसा रजी साहब ये लफ्ज ऐसा जो है ऐसा ही नहीं है ऐसा क्या ये बात है शाम का हाकिम करबला से हारा है ऐसा शाम का हाकिम करबला से हारा। अब सरकार जो शेर सुनाना चाहता है अकीर आपको मुलाजा फरमाए खुसूसी तौर से करता है जो दुनिया में शाह की अदादारी हो किसी कबीले का वो बशर हमारा वो किसी कबीले का वो बशर हमारा है।
नाम ये सुने शेर कि जिसको आज तक जन्नत देखती है हसरत से। अहले नजर बैठे आप सानी मिला सुनिए दाद के लिए जिसको हैरत कह सकता था सरकार हसर देखिए जिसको आज तक जल्लत जल्लत देखती है हसरत से कर्बला के मैदान को शह ने यूं सवार कहने यूं सवारा है। अबे ये आरा और पारा और हमारा और तुम्हारा और मारा और सवारा ये सब कवाफी बहुत लंग कहे गए हैं। जैसे अंगड़ाई और लहराई और दोहराई ये साहिब नजर हजरात से गुफ्तगू कर रहा है खादिम शफी तो बैठे हुए सब लोग हैं इसलिए इसमें शेर निकलना साहिब नजर से गुफ्तगू है। मेरी औकात क्या मैं क्या निकालूंगा ये तो आता है जो मौला की आता है आता की शक्ल में। बस एक सरकार जो शेर सुना उसका मिसो उला आपकी मदद करना चाहता हूँ। ऐसा शाम का हाकिम करबला से हारा है और हुरमुल्ला सुनो भैया मुमिन बैठे हुए समाज में इसी आप ही की सरजमीन के हैं कि कुर्ब जवार के लिए देख मुलाजा फरमाए बड़े इज्तमाही शक्ल में समाज में सरकार मिसा अब्रज कर रहा है हकीकत कि हुरमुल्ला की गर्दन जख्म भर नहीं सुने भैया अच्छा क्या सुनने का चाहूँ हुरमुल्ला की गर्दन का जख्म भर नहीं सकता जो हंसी का असगर ने उसको हुरमुल्ला की गर्दन का जख्म भर नहीं सकता जो हंसी का असगर ने उसको तीर मारा है जो हंसी का असगर ने उसको तीरा है और ये करम है अहमद का जिक्र आल में खादिम ये करम है अहमद का जिक्र आल में खादिम रोजो शब जो चलता है वो कलम हमारा है जो चलता है
वो कलम हमारा है रोजो शब जो चलता। मैं आपकी तरफ आना ना चाहता हूँ अब, क्योंकि ये जैसा मैं मुझे और करीब होना चाहिए, इस तरह मैं आऊँ जैसे दूर पड़ रहा है मुलाजा फरमा। मैं डॉक्टर साहब से कह रहा हूँ, वो जैसा मायूस मालूम हो रहा है, आपका चेहरा छुपा हुआ है। नारे हैदरी, नारे हैदरी। उस्ताद खादिम शब्बीर नकवी नसीर आबादी की सेहत और सलामती के लिए बुलंद तार सलावत। सुनिए साहब, अब वो हुक्म है कबलो काबा का, और बहरहाल मैंने वो नतीजे तक पहुंच गया मेरा जहन, वो मैं तामील हुक्म में आ गया मौलाना जी। आपका भी इसरार, डॉक्टर साहब का भी इसरार, वरना बहुत बहुत से कभी कभी इल्ज़ाम लग जाते हैं। ये बहरहाल आप रहबर हैं, आप रहबर हैं, आपके हुक्म की तामील करनी चाहिए, और मासूम का हुक्म भी है, मासूम के हुक्म की रोशनी में रहबरों की कदर करनी चाहिए। हमारे मौलाना डॉक्टर नैयर साहब भी माशाल्लाह, बहरहाल हमारे अरे ये हम लोगों का नसीब है उस्ताद, आपके कदमों में मुलाजा फरमाया कि इस दौर का मिस्सा सुन लें, जो मैं मुत्तफिक नहीं हूँ सरकार उस मिस्से से, इस दौर का इलाज फ़कत ज़ुल्फ़िकार है। तो मैंने बहरहाल मैं इतफाक़ नहीं रखता हूँ डॉक्टर साहब, और लोग रखें तो मैं कोई उसमें चूँ चराग भी नहीं है मुझे। मैं होता तो ये कहता कि हर दौर का इलाज फ़कत ज़ुल्फ़िकार है, इस दौर का क्या। मैं एक मतलब और दो इस्तेलाल की नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ जो जनाब मौजूद हैं, अब दुरूद भेजें ताकि मैं पेशे खिदमत करूँ। भाई इधर मामला ठंडा क्यों है दुरूद में? देखिए मैंने पहले नहीं जा रहे, गुरबतन जा रहे हैं, गुरबतन जा रहे हैं। मुलाजा फरमाए मतलब पेशे खिदमत किए दे रहा हूँ, सरकार सुनिए मतलब ये बेखुदी शौक बड़ी उस्तवार है, क्या सुनिएगा, ये बेखुदी शौक बड़ी उस्तवार है, खुम की शराबे होश का अब तक खुमार है, है कहा मजमा, खुम की शराबे होश का अब तक खुमार है, ये बेखुदी शौक बड़ी उस्तवार है, खुम की शराब होश का अब तक खुमार है, और बहलोल ने किया ये जमाने पर आशकार, दीवाना जो तेरा है बड़ा होशियार है, दीवाना जो तेरा है बड़ा होशियार है, बहलोल ने किया ये जमाने पार का दीवाना,
जो तेरा है बड़ा होशियार और अहले सरकार अहले वैसुन शेर सुने भैया अहले वेला के कल्ब में महफूज क्यों ना हो थक गया क्या फजल अहले वेला के कल्ब में महफूज क्यों ना हो ऐलान खुम अमानत पर ऐलान खुम उस्ताद क्या बुरक के बात है वाह परवरदिगार है अमानत परवरदिगार वाह वाह अहले विला के कल्ब में महफूज क्यों न हो ऐलान खुम अमानत परवरदिगार है भैया आप सुनिए आखिरी शेर अब सरकार सुनिएगा इस्तदलाल ऐलान खुम अमानत परवरदिगार है और हर अहले हक एक रुख है डॉक्टर साहब सुने शेर में हर अहले हक हर अहले नजर का है फैसला हर अहले हक हर अहले नजर का है फैसला मैदान खुम की जीत सकीफा की मैदान खुम जीत सकीफा की हार है हर अहले हक हर अहले नजर का है फैसला मैदान खुम की जीत सकीफा की हार है और खुद बस एक शेर सुन लीजिए मैंने कभी नहीं कहा न कभी कहता था न कभी कहूँगा तीनों बातें अभी मौजूद हैं ये याद रखिएगा याद क्या रखेंगे हमें जब से नज्म का आगाज हुआ है तब से लाखों करोड़ों शायर पैदा हो चुके ये जब एक ही का कलाम बस यादगार है दूसरा क्या करेगा अभी अनीस के बाद कितने पैदा हुए मिर्जा अली के बाद कितने पैदा हुए ये 200 बरस के अंदर इन्हीं का ले लीजिए देख लीजिए तो अब वो शेर सुनाने जा रहा हूँ मौलाना फरमा शायद जहन में महफूज रह जाए लफ्ज शायद के साथ कह रहे हैं मौलाना फरमाएंगे ध्यान अहले वला के कल्ब में महफूज क्यों न हो ऐलान खुम अमानत परवरदिगार है खुद सुने मोमिन खुद ज़ुल्फ़िकार वक्त मुअय्यन पर आएगी खुद ज़ुल्फ़िकार वक्त मुअय्यन पर आएगी इस दौर में तो नाम अली ज़ुल्फ़िकार है इस दौर में तो नाम अली ज़ुल्फ़िकार है इस दौर में तो नाम अली ज़ुल्फ़िकार
बस हाँ चलो कर दे रहा हूँ ताकि आपके उनके काम ही हो जाए। मुलाजा फरमा दुरूद भेजे, दुरूद एक सहारा होता है भैया हमारे लिए चाहिए। मुलाजा फरमाया शेरों सुन लें, जनाब को पढ़ना है अभी गुजारिश की है और मैं भी सुनूंगा। चलिए देखते हैं, दुरूद भेजें, दुरूद भेजें। दुश्मन आल को पता क्या है, दुश्मन आल को पता क्या है, क्या मवद्दत है और विला क्या है। और विदा दुश्मन आल को क्या क्या है पता क्या है, क्या मवद्दत है और विला क्या है। उमर तबा शैका पूछता क्या है, मर्तबा शैका पूछता क्या है, देख ले कौले मुस्तफा क्या है, कौले मुस्तफा क्या है। डॉक्टर साहब सुनिए शेर कि कह दिया बस, कह दिया बस के हूँ अली का गुलाम, ऐ फरिश्ते तू पूछता क्या है, फरिश्ते पूछता क्या है, पूछिए जान हुर से मुस्लिम से सुनेंगे, पूछ लो जान हुर से मुस्लिम से, हप्पा मर जाने में मजा क्या है, हप्पा मर जाने में मजा क्या है। हक रजी साहब ये शेर सुने कि हक से रिक है एक है जो मुशियार, ये किस्मत से मिलते हैं ऐसे मिसरे, हक से एक है जो मुशियार, हुर है क्या और हुर मुला और है क्या और हुर मुला क्या है, हक शियार एक है जुल्म शियार,
हो रहा क्या और फुरमुला क्या है और फुरमुला क्या है। हक्षियार एक है जो मुशियार हो रहा क्या और फुरमुला क्या है। जोर बातिल से पूछ ले कोई हक से टकराने की सजा क्या है। जोर बातिल से पूछ ले कोई हक से टकराने की सुनो बेटा हक से टकराने की सजा क्या है। और अजमत शाह को कम न करो अजमत शाह दी को कम न करो। देखो कुरान में लिखा देखो कुरान में लिखा क्या है। अब दो मिसे सुने हाँ मिर्जा गालिब साहब और मीर खादिम शब्बीर की मिसे सुनी है। जी जाहिर वो मिर्जा है और बहमदिल्ला में मीर क्या कहना भाई बाबा जो 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 हकीकत है भैया बोल रहा अमीर आदमी है घबराए नहीं अभी मीर है कोई मसला थोड़ी है। लदा फरमाए हप्पा मर जाने में मजा क्या है। सिर्फ वो पढ़ ले सीरत अब्बास जो नहीं जानते वफा सीरत अब्बास जो नहीं जानते वफा क्या है। बस मैं आखिरी शेर सुने उसके बाद मकता समाज में तस्बीन सुनिए कि पुष्ट पर शह नबी है सजदे बे या इलाही जमा या इलाही पुष्ट पर नबी है सजदे में या इलाही ये माजरा क्या है। या इलाही ये माजरा क्या है। ये बताए खादिमे शब्बीर
ये बताएगा खादिम शबीर मदह शबीर का सिला क्या।